श्री दिव्या चंद एक अप्रैल 1993 एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम करती हैं। श्री दिव्या का जन्म 1 अप्रैल 1993 को वर्तमान तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ था। एक दिव्या की एक बड़ी बहन श्री राम्या है जो तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी काम करती है। 2003 श्री दिव्या ने केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई की। श्री दिव्या ने अपने करियर की शुरुआत 3 साल की उम्र में की थी। उन्होंने बच्चों की फिल्म भारती 2006 में मुख्य भूमिका निभाई। 5 उन्होंने तेलुगु टेलीविजन धारावाहिकों में भी अभिनय किया है। 6 उन्होंने 2010 में रवि बाबू द्वारा निर्देशित तेलुगु रोमांस फिल्म मनसारा में नायिका के रूप में अपनी शुरुआत की, लेकिन फिल्म असफल रही। 4 फिर उन्होंने मारुति द्वारा निर्देशित फिल्म बस स्टॉप 2012 में सह अभिनीत प्रिंस के साथ अभिनय किया जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 8 इसके बाद मल्लेला थीरम लो सिरिमले पोगू आए जिसमें उन्होंने एक अकेली पत्नी की भूमिका निभाई जिसे एक लेखक से प्यार हो जाता है। उद्धरण वांछित उनके प्रदर्शन के बारे में द हिंदू ने लिखा, वह बहुत आकर्षक दिखती हैं, सूती साड़ियां उनमें सुंदरता लाती हैं। 9ibrain.com ने लिखा, श्री दिव्या एक आदर्शवादी और स्वतंत्र महिला के चरित्र का प्रतीक हैं। उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और प्रशंसा की पात्र हैं। 10 उन्होंने 2011 में अपनी पहली तमिल फिल्म नागरपुरम के लिए शूटिंग की। 11 लेकिन फिल्म की देरी का मतलब था कि उनकी पहली तमिल फिल्म वरुथपक था वेलीवर संगम थी जिसमें शिवकार्तिकेयन के साथ थी जिसे पुनराम ने निर्देशित किया था। श्री दिव्या को उनके प्रदर्शन के लिए आलोचकों से बहुत सकारात्मक समीक्षा मिली। उद्धरण वांछित भरद्वाज रंग ने लिखा, अभिनेत्री अच्छी है, वह भाषा जानती है, प्रतिक्रिया शॉट लेना जानती है और ऐसा लगता है कि वह इसी परिवेश में है। ये देखना दिलचस्प होगा कि तमिल सिनेमा उसे क्या बनाता है। 12 टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, लेकिन असली आश्चर्य नवोदित श्री दिव्या हैं, जो अभिव्यंजक हैं और बहुत अच्छी तरह से लिप सिंक कर सकती हैं, जो आज हमारी अधिकांश नायिकाओं के साथ नहीं है। 13 द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा, लता के रूप में नवोदित अभिनेत्री श्री दिव्या अच्छी तरह से भाव व्यक्त करती है, चरित्र में मासूमियत आकर्षण और नटखटपन भर देती है। 2014 में वह 2 तमिल फिल्मों सुसिंथिरन की जीवा 15 और वेल्लईकारा दुरई में दिखाई दी। उन्होंने 2015 और 2016 में कई फिल्मों में अभिनय किया। 2017 के बाद उन्होंने एक संक्षिप्त अंतराल बनाया और 2022 में जनगण मन के साथ वापसी की जिसने उनकी